नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेले बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आवे वाले रतारा बाईपास में एक ट्रक ड्राइवर ट्रक का सामने लगाए के जाम लगाए दिन, देखते ही देखत सैकड़न ट्रक जाम फंस गए। इस दौरान जब अपन टीम ट्रक ड्राइवर से बात करें तो ट्रक ड्राइवर बताएं कि आरटीओ के दलाल शैलेंद्र सिंह उनसे 6500 रुपया ले लें जो उनका लौटाए नहीं रहे हैं, और एक कारण खिसियान ट्रक ड्राइवर बाईपास का जाम कह दिन, जिसके कारण तकरीबन 2 घंटा हाईवे जाम रहा। मौका में पहुंचे यातायात डीएसपी मनोज वर्मा जाम का जाके खुलवाइन। इस दौरान कई एक ट्रक ड्राइवर इकट्ठा हुई के हंगामा करें, अपनो देखी कौन मेर के हाईवे का जाम कीनगा और हंगामा करें ट्रक ड्राइवर। जाम का है लगा है, मेरे तो पैसा 6500 रुपए लिए, पर्ची नहीं दिए। कौन लिया है? ये अपना आरटीओ। कितने बजे की घटना? अभी आधे घंटे के पहले की बात है। घंटे पैसा कौन दिया है? आए? पैसा कौन दिया है? ये आरटीओ लिए हैं, आरटीओ उधर अलग रहते हैं। कितना लिया आपसे? रीवा जिला के गुड़ थाना क्षेत्र में ही बुलेट और कार के जोरदार टक्कर हुई गए। कार सवार प्रयागराज से रीवा के तरफ आवत रहे, जबकि विपरीत दिशा से जाए वाले बुलेट सवार का जोरदार टक्कर मारी। ये घटना में बुलेट चलावे वाले अधेड़ के मौके में मौत हो गए। बतावा जात है कि यूपी सवार युवक लापरवाही से वाहन चलाए के बुलेट का टक्कर मार दिन। बुलेटिन की अगली खबर रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से रही, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आवा। गांव के दुकान में कुरकुरे खरीदे गए, किशोरी के साथ दुकान संचालक अपने हवस का शिकार बनाए डाली। युवती के शिकायत में पुलिस मामला दर्ज करके आरोपी धर्मेंद्र साकेत का गिरफ्तार कर लेन और पीड़िता के मेडिकल खातिर भेजा गया। ये आज दोपहर में सूचना आई थी थाने पर कि एक बच्ची आई जिसकी उम्र 15 वर्ष की है, और इसने बताया कि मैं सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी, दुकान में ही उसी के समाज के व्यक्ति के द्वारा अंदर ले जाया गया दुकान के अंदर, उसके साथ गलत काम किया गया। रीवा जिला से 3 साल पहले लापता युवती का पुलिस अब राजस्थान से खोज निकाली। हबे राजस्थान के चुरू जिला में 1,80,000 रुपया में युवती के सौदा तय कीन गया रहा। पुलिस खरीदार के साथ है जीजा को पकड़ ली नहीं, जबकि युवती का बेचे वाला युवक फरार हुईगा। पुलिस थाना हनुमानाग को अभी 17 मार्च को एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में फरियादी विश्वनाथ कॉल के द्वारा रिपोर्ट की, जिनने बताया कि मेरी पुत्री लगभग 2021 से अचानक गायब हो गई थी और उसके बारे में पता नहीं चला रहा था। 3 दिन पहले ही मेरी बच्ची का फ़ोन आया, उसका कहना है गांव के ही राम भाव विश्वकर्मा ने उसको वहाँ भेज दिया है राजस्थान चुरू में। पुलिस जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया मामला, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो हमारे एसपी साहब के द्वारा तुरंत टीम बनाई गई, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और टीम में थाना प्रभारी ने खुद टीम का नेतृत्व किया और वहाँ राजस्थान चुरू जाके उस बच्ची को 24 तारीख को। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली से है, जहां जिला में लोकायुक्त भोपाल के निर्देश में चितरंगी एसडीएम नीलेश शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन के जमीन में बने मकान पर बुलडोजर चलाए दी इनका। अपने बता दी कि चितरंगी गांव के खुरमुचा में सरपंच के शासकीय भूमि में बने मकान का राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त कार्रवाई कई के अवैध निर्माण का गिराए दी। यहाँ के सरपंच पति सुग्रीव सुग्रीव प्रजापति नाम है उनका, उनके द्वारा यहाँ हमारे आराजी नंबर 1378 खुले कई सारे में। सिंगरौली जिला के भाजपा कार्यालय में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथी दर की मुख्यमंत्री बनाए जाए पर उनके कार्यकाल का 2 साल पूरा होए पर सिंगरौली जिला के भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के आयोजन कीनगा, जोने में मुख्य रूप से सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामलल्लू बैस, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, भाजपा मीडिया प्रभारी योगेंद्र श्रीवास्तव, सह मीडिया प्रभारी नीरज सिंह मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश सबसे हमारे मुख्यमंत्री जी चौथी बार के दूसरे कार्यकाल के बारे में प्रदेश में किए गए विकास का उपलब्धियों के बारे में हम सब आप सबके सामने मौजूद हुए। मध्य प्रदेश के 2018 के चुनाव
अयोध्या पर घूम फिर के कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने बाद सरकार चली गई। रीवा के हनमना तहसील कार्यालय में लोकायुक्त नायब तहसीलदार का रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी। अपने बताई दी पक्षकार के तरफ से पैरवी करे वाले अधिवक्ता से स्थगन निरस्त करे के खातिर नायब तहसीलदार रिश्वत के मांग करे रहे। यह कार्रवाई रीवा लोकायुक्त SP गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश में ही 15 सदस्यीय टीम हनमना तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार के कक्ष में करे कार्रवाई कले के लोकायुक्त SP बताएं के फरियादी अश्विनी द्विवेदी नया गाँव तहसील हनमना के रहे वाले भुवनेश्वर सिंह मरावी नायब तहसीलदार व्रत पहाड़ी तहसील हनमना के खिलाफ रिश्वत मांगे के शिकायत दर्ज कराए रहे हैं। तहसील कार्यालय में ही लोकायुक्त के कार्रवाई से अधिकारी और कर्मचारी में हड़कंप मचा है। ये अश्विनी द्विवेदी जी, ये जो आपने आज लोकायुक्त के माध्यम से 5,000 रिश्वत देते हुए नायब तहसीलदार को ट्रेस कराया, कैसा मामला है? ये मामला 250 कब्जा वापसी का था, इसमें स्थगन इन्होंने दे दिया था। स्थगन समाप्त करने के लिए हमने आवेदन दिया तो इन्होंने मुझसे पैसे की मांग की तो हमने इनको नॉर्मली तौर पर की 2,000 रुपये दे दिया कि चलो समाप्त कर दो आप। आदरणीय SP साहब, ये जो नायब तहसीलदार रंगे हाथों पकड़े गए हैं, कैसा मामला है? इसमें एक आवेदक हैं अश्विनी द्विवेदी जी हैं, ये अधिवक्ता हैं। इनके जो फरियादी थे उनके द्वारा इनका एक केस लड़ा जा रहा था, जमीनी का विवाद था। तहसील इलाके जो है उसके नायब तहसीलदार सर्कल के इंचार्ज थे, उनका नाम है आनंद कुमार भुवनेश्वर सिंह मरावी। इनके द्वारा उस प्रकरण को निपटाने के एवज में 7,000 रुपये की मांग गई थी। 2,000 रुपये पूर्व में लिए जा चुके थे और 5,000 रुपये आज देना तय हुआ था। इसी संबंध में जो है SP लोकायुक्त कार्यालय में फरियादी के द्वारा शिकायत की गई थी और उसी शिकायत पर सत्यापन उपरांत जो सही पाई गई थी, तो उसके बाद आज जो है नायब तहसीलदार हनुमना में हम लोगों ने आज रंगे हाथों से गिरफ्तार किया। खबर सतना से है, जहां पंचायत सचिव के घरे में EOW छापामारी। EOW की टीम का आय से अधिक संपत्ति हो की जानकारी मिली रही है। वह सूचना के सत्यता के जांच करे के बाद सतना जिला के घुनबारा के नियरे महेदरा मा रामानुज त्रिपाठी पंचायत सचिव के घरे में EOW टीम बिहन्ने छापामार के जांच कार्रवाई शुरू कर दी। अपना बता दे कि आरोपी रामानुज त्रिपाठी के घरे में छापा पड़े की जानकारी लगता है, गाँव में खलबली मच गई। सतना जिले में मैहर तहसील में मैदर के ग्राम पंचायत के सचिव रामनोज त्रिपाठी की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके पास आय से काफ़ी अधिक संपत्ति है। जनवरी 2022 में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी तस्दीक की गई थी, जांच की गई थी और जांच सत्य पाए जाने पर इसमें सर्च वारंट माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया था। और आज सुबह EOW की टीम ने आरोपी रामानुज त्रिपाठी के गुनवारा स्थित गांव में उनके घर पर जो है सर्च कार्रवाई की गई है, छापा कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक की कार्रवाई में 4 लाख से ज़्यादा कैश, करीब 5 लाख की सोना चांदी के जेवरात, एक 4-व्हीलर और 3 2-व्हीलर्स, जमीनों के कई सारे कागजात, LIC की पॉलिसीज और बैंक के कई सारे खाते अभी तक बरामद हुए हैं और इसमें सर्च कार्रवाई अभी चल रही है। अभी जो जांच की गई थी उस दौरान इनकी जो आय थी, इनके जो आय की गणना की गई थी। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।